इश्क 104.8 एफएम सुन रहे हैं आप, साथ ही साथ आप पीछे हवा की आवाज़ भी सुनेंगे, आप चिड़ियों की चहचहट भी सुनेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन हर दिन की तरह आज भी थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे हवोवी, शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप हो यहाँ पर तो उसको ज़रूर सुनना। अभी के लिए केके की आवाज़ में वाला गाना सुन लो, वो लम्हे मूवी से, इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग है, ये टाइमलेस टाइप गाना है, ये कभी पुराना नहीं हो सकता। आता हूँ 104.8 एफएम पर, मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस, गुड मॉर्निंग। एंड मेरे साथ हर दिन की तरह आज भी हैं हवोवी, शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। एंड देखिए, एक मैं रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था जिस रिपोर्ट में ये पता चला है कि जब से लॉकडाउन रिलैक्स हुआ चंडीगढ़ में, तब से वहां पर क्राइम रेट बढ़ा है। लेकिन ये बाहर के क्राइम, जो घर के बाहर होता है उस क्राइम की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसे बहुत क्राइम्स हैं जो घर में हुए हैं एंड लोगों ने उसको इग्नोर किया है, उसको नजरअंदाज किया है। हवोवी, ऐसे क्राइम्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं जो घर के अंदर होते हैं। सो गुड मॉर्निंग रोहित, इट्स गुड कि हम गुड मॉर्निंग हम ये टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है एंड लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि क्राइम के रेट्स विद इन द होम बहुत बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में तो सुना ही होगा, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जो घर के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, मतलब बच्चों के साथ सेक्सुअल क्राइम्स इनसाइड देयर ओन होम, जो अब लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले अगर अनसेफ एनवायरनमेंट होता था तो बच्चा वहाँ से कुछ देर के लिए एटलीस्ट बाहर निकल जाता था एंड हेल्प के लिए बता सकता था, बट अभी लॉकडाउन की वजह से ये क्राइम्स और बढ़ रहे हैं क्योंकि पर्पेट्रेटर घर में साथ में है 24 आवर्स एंड बच्चे को और दूसरे एडल्ट्स को घर में एवेन्यूज नहीं मिल रहा है हेल्प के लिए। तो इट्स अ रियली रियली सैड सिचुएशन। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि घर में कोई है हु इज गोइंग थ्रू अ सेक्सुअल अब्यूज एंड ऐसे में करना क्या चाहिए, ये जानेंगे हवोवी से थोड़ी ही देर में, राइट हियर ऑन इश्क 104.8। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं हवोवी, शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। आते हैं थोड़ी देर में, गुड मॉर्निंग। इश्क 104.8 एफएम पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं इस समय हवोवी, शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। एंड हम लोग इस समय उस क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं जो लॉकडाउन के वक्त बड़ा है, और ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये घर के अंदर होता है। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की। एंड हवोवी ने कुछ टाइम पहले ये बताया था कि यूजुअली ये कोई अपना ही होता है जो ये करता है, लेकिन हवोवी इस समय ये हम जानना चाहेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि घर में कोई है हु इज गोइंग थ्रू सेक्सुअल अब्यूज़। सो पहले तो मैं सेक्सुअल अब्यूज़ का थोड़ा सा अवेयरनेस दे दूँ कि सेक्सुअल अब्यूज़ इज नॉट जस्ट अ सेक्सुअल एक्ट, ये काफ़ी सटल भी हो सकता है, जैसे बच्चे को गलत तरीके से छूना या फिर बच्चे के लिए कोई ऐसा रिमार्क या कमेंट पास करना विच इज़ सेक्शुअली सजेस्टिव, बच्चे को फोर्स करना कुछ मटेरियल देखना विच इज़ ऑल्सो नॉट एज अप्रोप्रिएट, तो ये भी सेक्शुअल अब्यूज़ के फॉर्म्स हैं। ऐसे साइंस हैं जिससे पेरेंट को इंडिकेशन मिल जाता है कि बच्चे के साथ शायद सेक्शुअल अब्यूज़ हो रहा है घर के अंदर या फिर बाहर भी। तो पहले तो है फिजिकल चेंजेस, पेरेंट को नोटिस करना चाहिए कि बच्चा अगर बाथरूम जाने के लिए यू नो कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग ऑफ पेन। दूसरा, अगर बच्चा बेदिंग रिचुअल्स से नहीं करना चाहता है, शायद पेरेंट के साथ बहुत ही हैप्पीली जाता था फॉर अ बाथ बट नाउ रुक रुक के जा रहा है या फिर नहाना नहीं चाहता है, दैट्स अनदर साइन। ओल्डर चिल्ड्रेन में जैसे टीनेजर्स हैं उनमें साइंस थोड़े अलग होंगे, दे मे हैव डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़, दे मे टॉक अबाउट सुसाइड, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, दे मे विड्रॉ फ्रॉम देयर लव्ड वंस। तो ये कुछ साइंस है, नॉट दैट दीज साइंस आर ऑलवेज इंडिकेटिव के सेक्शुअल अब्यूज़ हो रहा है, मगर ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनके बारे में हमें ध्यान जिन्हें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि दिस कुड इंडिकेट। ऑलराइट, सो हाउ वी जस्ट टू समराइज दिस, मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई घर में ये सारे साइंस देखता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन कैन डू इन दिस लॉकडाउन, क्योंकि आई नो इस समय लॉकडाउन है तो सिचुएशन इज अ बिट ट्रिकी, इट्स अ बिट स्ट्रेंज, सो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग दैट कंसर्न्ड पर्सन शुड डू? डेफिनेटली कॉल 1098, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज कॉल अप द लोकल पुलिस स्टेशन और ये ऑफेंस को रजिस्टर कीजिए। इफ़ ऑफेंडर घर पे नहीं है और बाहर है और बच्चा सेफ है घर के अंदर, पर ये सेक्सुअल ऑफेंडर जो है वो घर विजिट कर रहा था या थोड़ी देर के लिए घर में था और फिर चला गया,
तो फिर बच्चा अभी सुरक्षित अगर है तो उसे काउंसलिंग के लिए लेकर जाइए, एंड दैट मस्ट स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल, इस पूरे हफ्ते हमने बच्चों की बात की, लेकिन अगले हफ्ते यानी कि मंडे को 8:30 बजे हाउ वी फिर से यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे साथ, एंड मंडे को एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ये आपसे भी रिलेटेड है, क्योंकि सबसे रिलेटेड है, क्योंकि ये इसका कोई एज ग्रुप है नहीं एक्चुअली, ये कभी भी किसी को हो सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे मंडे को 8:30 बजे। थैंक यू सो मच हवी, नाउ वील कनेक्ट ऑन मंडे। यस, सी यू ऑन मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड टू ऑल आवर लिसनर्स एंड टू यू रोहित। थैंक यू सो मच, बाय बाय।